आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे। उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए हमको। देश के वजीर आजम मोदी हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल से मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं, कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे। ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है नरेंद्र मोदी। क्या आप किसके वजीर आजम है? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे। उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा, मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए हमको, करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ना चाह रहे, आप क्यों लड़ना चाह रहे? अरे यहां पर इस मुल्क में, वतन अजीज में, भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक 1200 साल की तारीख है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी ये रोशन तारीख है, मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके हैं।